ठीक है नेल्सन, हम तुझे नहीं मारेंगे, परंतु एक बात ध्यान रखना, हम तुझे झांसी में भी नहीं रहने देंगे। अब इस रेत को गिरते देखते रहो नेल्सन, तुम्हें और तुम्हारी ईस्ट इंडिया कंपनी को हम अपनी झांसी से भगा कर रहेंगे, और ये काम झांसी की रानी अपनी मर्यादा में रहकर करेगी। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है नेल्सन, केवल 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, बच सको तो बच लो नेल्सन। Your Excellency, आप पहले आप इस पत्र को पढ़िए। ये तो हमने इस पे नेल्सन के सारे अत्याचारों का काला चिट्ठा विस्तार से लिखा है मिस्टर एलिस। कितनी बार उसने झांसी की प्रजा पर अत्याचार किया है, दामोदर के गर्भ में रहने से लेकर जब तक वो जीवित रहा, कितनी बार उसे मारने के षड्यंत्र रचे गए, और अब जब हमारी कोख उजड़ गई, उसके बाद भी उसका जी नहीं भरा, और अब एक नहीं दो दो बार उसने महाराज की हत्या करने की चेष्टा की। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस आरोप पत्र पर अपने हस्ताक्षर करें, क्योंकि ये सब कुछ आपके सामने हुआ है मिस्टर एलिस। योर एक्सलेंसी, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, आई एग्री विद यू, बट दिस इज नॉट द वे। मैंने चाहता कि नेल्सन आपके हाथ मारे, बिकॉज एक ब्रिटिश ऑफिसर के मारने के बाद झांसी और महाराज पर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। मिस्टर एलिस, आप हस्ताक्षर करेंगे या नहीं? क्यों? क्या आप नहीं जानते कि नेल्सन ने महाराज पर प्राण घातक हमला किया था? भरे दरबार में वाहिनी साहब ने यह स्वीकार किया, दामोदर को मारने में भी नेल्सन का ही हाथ था। चुप क्यों हो गए आप मिस्टर एलिस? क्या ये सब कुछ आपके सामने नहीं हुआ? मिस्टर एलिस, हम बलपूर्वक आपसे हस्ताक्षर नहीं चाहते, हम बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या आप सत्य का साथ नहीं देंगे। मैं आपके साथ हूं, इसलिए मैं आपको ऐसे नहीं करने दूंगा। और वो ठीक है मिस्टर एलिस, आपकी इच्छा, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो हमें आपकी और आपके हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं। देखिएगा, अब इस पत्र पर स्वयं नेल्सन अपने हस्ताक्षर करेगा। I've never seen Queen Lakshmibai as angry as she is now. I do believe this is the end of you, Mr. Nelson.
ठीक है नेल्सन, हम तुझे नहीं मारेंगे, परंतु एक बात ध्यान रखना, हम तुझे झांसी में भी नहीं रहने देंगे। अब इस रेत को गिरते देखते रहो नेल्सन, तुम्हें और तुम्हारी ईस्ट इंडिया कंपनी को हम अपनी झांसी से भगा कर रहेंगे। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है नेल्सन, केवल 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। वाटर पानी ला, लड़ी इडियट, जाकर पानी लाओ। भाग जा है, क्या देख रहा है? बहुत कम रेत बची है साहेब, महारानी साहिबा का दिया हुआ समय समाप्त होने ही वाला है। कई सैलरी हमसे लेता है और हमें ही डराता है। How dare एक बात कान खोल के सुन ले, नेल्सन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। सुनो सुनो, आज झांसी की रानी अपनी प्रजा से मिलने झांसी नगर के चौक आ रही हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप वहां उपस्थित होने का कष्ट करें। मामा, बाबा कह रहा है वो। मामा बोला महाराज। देखा बाबा कह रहा। ठीक है महाराज, बाबा बोला। हे देवा, इनके चेहरे पर सदैव ऐसी ही मुस्कान बनाए रखना और इन्हें शीघ्र स्वस्थ कर दो। मैं तुझे यहां पर यह बताने आया हूं कि तुझसे जुड़े खानदान के 5 लोगों पर मौत का साया मंडरा रहा था, जिसमें से 4 उसने ऊपर बुला लिए, 5वां बाकी है। भगवान करे मलंग बाबा की बात कभी सच ना हो। क्या हुआ? कुछ नहीं महाराज, आप अस्वस्थ हैं इसलिए हमने राजकीय की ओर ध्यान देना आवश्यक समझा। अभी कुछ कार्य हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, हम उन्हें समाप्त करके आते हैं। आनंद, देखिए हम आपके लिए क्या लाए। आप जाइए, परंतु ये जाने देगा आपको। आपके साथ रह रहकर आप जैसा ही बन गया है। जाने दीजिए ना महाराज। ऐसा क्या राजकीय कार्य आ गया कि? महाराज, आपकी लक्ष्मी जो भी करेगी झांसी के हित के लिए ही करेगी। क्या आपको अपनी लक्ष्मी पर विश्वास नहीं? स्वयं से भी अधिक विश्वास है आप पर लक्ष्मी। हम जानते हैं कि हमारी झांसी एक वीरांगना के सशक्त हाथों में पूर्णतः सुरक्षित है। यदि हमें कुछ हो जाए तो आप कोई चिंता नहीं। मरे आपके शत्रु ऐसी बातें क्यों करते हैं? भगवान करे आपका हाथ सदैव हमारे सिर पर है। अब चलिए, जल्दी से हमें आशीर्वाद दीजिए कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसमें हम सफल हो जाएं।
जाइए भाव, ले जाइए भाव। महारानी साहिबा, एक बार पुनः विचार कर लीजिए। हमने जो सोचा है हम वही करेंगे, परंतु महाराज को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। रघुनाथ जी, जो आज्ञा महारानी साहब, सेवक पूरा ध्यान रखेगा। झांसी वासियों, आपको अपने महाराज और महारानी पर विश्वास है ना? पूरा विश्वास है। ये फिरंगी किसी के नहीं हो सकते, इसलिए इनकी बातों का झांसी में एक टेरर फैला दे ताकि क्वीन ऑफ झांसी को एहसास हो जाए कि झांसी को ब्रिटिश ही रूल कर सकता, गंगादान ही। अटैक! तुम सबकी भलाई इसी में है कि तुम लोग यहां से चले जाओ, वरना सब के सब मारे जाओगे। अरे जा, बड़ा आया। अगर हमारी महारानी को पता चल गया ना तो तुम्हारी छुट्टी उसके गुम हो जाएगी, समझे? और तुम मारे जाओगे, देख लेना, समझा? अरे हत्यारे, हमारे युवराज को मार के तुम्हारा जी नहीं भरा? लक्ष्मीबाई नहीं, पूरी झांसी दहाड़ रही है। हम सब एक हैं नेल्सन। ये शंखनाद एकता से गूंज रहा है, ये एकता की आवाज है। हम अत्याचार करते नहीं तो सहते भी नहीं है नेल्सन। सैनिको,
झांसी वासियों, यही है हमारा असली शत्रु। इसी ने आपके युवराज को आपसे छीना। लक्ष्मीबाई अपने बेटे के मुंह से मां सुनने को तरस के रह गई। इसने ना केवल हमारे दामोदर को हमसे छीना, बल्कि महाराज पर दो दो बार प्राण घातक हमला करवाया। ये इंसान के रूप में राक्षस है, और ऐसे राक्षस के दुष्कर्मों का दंड देने के लिए हमें आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। बहनों, अपनी चूड़ियों को अपना शस्त्र बनाओ। हिंदुस्तान की नारी अबला नहीं, वीरांगना है। उठाओ अपनी तलवार, इनके अत्याचारों का दंड हम मिलकर देंगे। No, don't. Your Excellency, please. Don't kill me. क्योंकि आप अच्छी तरह जानती है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर के मर्डर के बाद झांसी बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में आ जाएगी। तूने ठीक कहा था नेल्सन, हम तुझे नहीं मार सकते, क्योंकि सच तो ये है कि तुझे हम नहीं, ये सब मारेंगे। तुझे क्या लगा था झांसी के युवराज को मारकर झांसी का भविष्य तेरा हो जाएगा? तूने इन सबके दिलों में घाव किए हैं नेल्सन। बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है।